इस समय धुरिमना से बड़ी खबर निकल करके आ रही है, भाजपा की ओर से निकाले जाने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा आज धुरिमना पहुंचेगी, जहां धुरिमना के अंदर बड़ी सभा होगी। इस परिवर्तन यात्रा का धुरिमना के मेला मैदान के अंदर बड़ी सभा होने जा रही है भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की, जहां के भाजपा के विधानसभा गुड़ामालानी के उम्मीदवार के बिश्नोई, अनंत राव बिश्नोई, जय किशन भादु जो स्थानीय विधायक जो उम्मीदवार है, प्रबल दावेदार है, अमरा राम बेलीवाल, सांवला राम जी पटेल सहित कई भाजपा के जो चेहरे हैं नए चेहरों में, नरपत राज मूड सहित कई जो दावेदार है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इस समय भाजपा जो है चुनावी मोड़ के अंदर आ गई है और धुरिमना के अंदर आज संकल्प यात्रा जो है वहाँ पहुँचने जा रही है, जहाँ वहाँ के जो प्रबल दावेदार लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा का पूरा संगठन इस काम में लगा हुआ है, जहाँ चुनावी सभा होगी और आज से चुनावी शंखनाद जो है धुरिमना में शुरू हो जाएगा और भाजपा पूरी तरीके से चुनावों के लिए तैयार है और अपनी रणनीति के साथ गुड़ामालानी जो क्षेत्र है विधानसभा का, वहाँ मजबूत और प्रबल दावेदारी और जीत की उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर जैसा कि हेमाराम जी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है, उनकी जो कार्यशैली है, पिछले 15-20 दिनों से हेमाराम जी गुड़ामालानी के चुनावी दौरे पर नहीं गए, लेकिन हेमाराम जी की जो मजबूत टीम है, उनके कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो गुड़ामालानी के क्षेत्र के अंदर डटी हुई है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता है लंबे समय से जो हेमाराम जी के साथ जुड़े हुए, वो उनकी पूरी जो टीम है वो मैदान में जुटी हुई है भाजपा से मुकाबला करने के लिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे दावेदार पूर्व प्रधान ताजा राम जी स्थानीय लोगों के साथ घर घर घूम रहे हैं। उनकी इन दिनों के दौरान लोगों से मिलनसारिता और लोकप्रियता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी इजाफा हुआ है। इस समय ताजा राम जी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की ओर से हेमाराम जी के बाद ताजा राम जी ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्पल और मजबूत दावेदार गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन वहाँ अन्य दावेदार भी कांग्रेस की ओर से हैं, वो भी वहाँ उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि काश हेमाराम जी अगर चुनाव नहीं लड़े या हेमाराम जी के पारिवारिक सदस्य चुनाव नहीं लड़े तो हमारा भी नंबर लगे, ताजा राम जी नहीं तो और अन्य दावेदार हैं उनका, और किसी प्रकार से दूसरे नए चेहरे को मौका जो है कांग्रेस पार्टी दे दे। वहीं तीसरी ओर तीसरी ताकत के रूप में हनुमान जी की जो RLP की रैली थी धुरिमना में, उस रैली के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भर दिया, तो जो युवाओं की जो टीम है वो टीम लगातार सदस्य अभियान RLP चला रही है और धुरिमना क्षेत्र के अंदर घर घर जा रहे हैं और तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर बड़ी मजबूती के साथ RLP आगे बढ़ रही है। RLP के भी जो चुनावी मुद्दा है उसमें प्रमुखता से यही है कि हम स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देंगे और स्थानीय विधायक को विधानसभा में भेजेंगे। RLP मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहीं विधानसभा में 50,000 का जो लक्ष्य दे रखा था सदस्य अभियान में, वो आंकड़ा जो है गुड़ामालानी के कार्यकर्ताओं ने कभी पार कर दिया। वहाँ भी वयोवृद्ध नेता हरदा राम जी कल भी है दावेदार जो है प्रबल है, पिछली बार चुनाव लड़े विजी गुरलिया, मगरा जी बेनीवाल जो सिंधरी के हैं, ताजा राम जी सहित कई जो है वहाँ उम्मीदवार जो है RLP के मजबूत चेहरे के रूप में चुनाव लड़ने के जुगत में लगे हुए हैं और RLP को पूरा भरोसा है कि जैसे युवाओं की जो फौज है, जो बेनीवाल साहब का RLP के सुप्रीमो का युवाओं के अंदर जो क्रेज है उसको देखते हुए इस बार कांग्रेस की खामोशी और BJP में ऐसा माना जा रहा है, अंदर खाने ऐसी खबर आ रही है कि बाहरी उम्मीदवार दूसरा लाया जा सकता है, KK के स्थान पर नया प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ RLP को पूरी उम्मीद है कि हमारा जो स्थानीय विधायक का प्रबल दावेदार है, स्थानीय विधायक का जो मुद्दा है, हमारे युवाओं की जो फौज है और उनकी जो है चुनावी वैतरणी पार करने में हनुमान बेनीवाल की बड़ी भूमिका होगी। बेनीवाल की बड़ी सभाएं आने वाले समय में गुड़ामालानी के अंदर आयोजन होने वाली है और चुनावी मोड़ में पूरी तरीके से RLP आ गई है। RLP को पूरा भरोसा है कि इस बार चुनावी जो
विधायक है वो यहाँ से जीता करके भेजेंगे। चुनावी ताकत जो है पूरी तरीके से उन्होंने लगा दी है गुड़ा मालानी के अंदर आरएलपी में। साथ ही वहाँ जो लोग है स्थानीय स्तर पर उन लोगों का भी ये कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं उस समय कुछ समय के लिए हेमाराम जी की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली के अनुसार हेमाराम जी मान मनोवर कराते हैं, कार्यकर्ता उनके पीछे जाते हैं। और जो अंदर खाने खबर है कि हेमाराम जी कभी भी अपने मुंह से ये स्वीकार नहीं करें कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं या मैं लड़ने जा रहा हूं। और आखिर में फैसला यही होता है कि कार्यकर्ताओं की मंशा है, पार्टी का दबाव है, पार्टी का आदेश है और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए नए जो दावेदार है उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि हेमाराम जी अंत में चुनाव लड़ने के लिए हमेशा की भांति इस बार भी तैयार हो जाएंगे। और हेमाराम जी के जो पुराने जो कार्यकर्ता है और लंबे समय से हैं, और जैसा कि कार्यकर्ताओं से बात हुई और हमारे जो रिपोर्टर है वो बता रहे हैं कि जैसा हमने हेमाराम जी के कार्यकर्ताओं से पूछा कि हेमाराम जी पिछले 15 दिन से गुड़ा मालाड़ी में कम नजर आ रहे हैं, तो क्या हेमाराम जी की चुनाव लड़ने की मंशा है? तो उन्होंने कहा कि जो लीडर, जो जननायक हमेशा 4 साल तक जनता के बीच में रहता है, उनको ना तो ट्रैक्टरों पर घूमने की जरूरत है, ना पैदल घूमने की जरूरत है, ना बसों में यात्रा करने की जरूरत है। हमारा लीडर मजबूत है, इसलिए हेमाराम जी जहाँ भी बैठे हैं जब जरूरत होगी कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम जो कार्यकर्ता है वो मैदान में पूरी तरीके से डटे हुए हैं। इसलिए आप ये नहीं माने कि कहीं कांग्रेस कमजोर है, बड़ी मजबूत स्थिति में है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार एकता दिखाते हुए कमर कस ली है, और अब जो मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है गुड़ा मालानी क्षेत्र की बीजेपी में वो यही है कि जिसको भी टिकट मिलेगी पूरा संगठन जो है ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा, और जो सूखा है उसको खत्म करेंगे, और गुड़े मालाने की सीट जो है बीजेपी की झोली में डालने का पूरा प्रयास होगा। लेकिन देखने की बात यह है कि आज बीजेपी चुनावी संकनाद धुरिमना में आलम नगरी में करने जा रही है, और बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है तो यहाँ स्थानीय लोग जो नेता है उनके साथ संकल्प यात्रा में चलने वाले लोग, उनके प्रभारी यहाँ के सांसद कैलाश जी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़े नेता जो है, भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी खारा सहित बड़े नेता जो है इस यात्रा में शामिल है, सभी धोरिमना में पहुंचेंगे और बड़ी सभा करेंगे। बड़ी सभा के बाद में कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे, उनको ताकत प्रदान करेंगे, उनको मोटिवेशन देंगे कि कहीं कांग्रेस से त्रास्त जनता हमारे लिए आतुर बैठी है, आप तो केवल प्रयास करिए, जीत हमारी झोली में होगी। ऐसे प्राण फूंकने की कोशिश आज सभी नेता धोरिमना में करेंगे। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरएलपी को भी कमतर आंका नहीं जा सकता, क्योंकि एक युवाओं की जो टीम है एक बड़ी फौज है, और अभी जो सदस्य अभियान चला उस सदस्यता अभियान के अंदर बहुत सारे नए सदस्य बने, और बेनिवार साहब का जो चेहरा है वो ही सबसे बड़ा चेहरा है, उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और उनका जो युवाओं में क्रेज है, लोगों को जो उम्मीद है, उस उम्मीद के मुताबिक इस बार कांग्रेस और बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, बल्कि आरएलपी जो है दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। परिणाम क्या होगा, जीत किन के चेहरे पर ये सजने जा रही है, कौन इस जीत की बाजी लेके जाएगा, ये तो जो है भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन गुड़ा मालानी का जो चुनावी संकनाद है वो आज से शुरू हो गया, ये घमासान जो है ये साधारण नहीं होने वाला है। इस सीट पर बड़े राजनीतिक घराणों के बीच में और तीसरी ताकत आरएलपी के बीच में बहुत बड़ा घमासान चुनावी होने वाला है। हमारे साथ देखते रहिए तेजल मीडिया।